Hey family, welcome back to my channel. मैं हूँ वैशाली मित्रा. आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर. तो आज मैं एक थोड़ी सी डिफरेंट काइंड ऑफ अ वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए. मैंने कोशिश की है कुछ डिफरेंट ट्राई करने का, बिकॉज जनरली जो नॉर्मल हॉल्स होते हैं वो आप सभी के चैनल पर देखते हैं, मेरे चैनल पर भी, बट मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहती थी. इस बार मैंने शॉपिंग की है अमेजोन से. देखिए, ये भी ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, इन सबको आप इंडिविजुअली भी पहन सकते हैं, क्लब करके भी पहन सकते हैं, और कितनी डिफरेंट तरीके से पहन सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको जब आप इनमें से कुछ भी परचेज करें तो थोड़ा सा आइडिया लग जाए. हो सकता है आपके पास कुछ अवेलेबल भी हो तो एक दो आइटम खरीद के आपका काम चल जाए. सो आज का हॉल और प्रोडक्ट सारे दिखाने से पहले एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहती हूँ. ये जो वीडियो है, इस कॉन्सेप्ट पे जो वीडियो, ये है वीडियो का पार्ट वन. सेकेंड पार्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है. तो ये पार्ट देखने के बाद उस पार्ट का वेट जरूर कीजिएगा. तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज का हॉल. आज के हॉल में फर्स्ट थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा, बहुत ही अट्रैक्टिव है, बट उससे पहले एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, विच इज अ ब्लाउज. देखिए, रेडीमेड ब्लाउज है ये, और ये है फ्रॉम द ब्रांड स्टूडियो श्रृंगार. ये देखिए, स्टूडियो श्रृंगार की तरफ से ये वाला ब्लाउज पीस है. देखिए, इस ब्रांड के आपको स्टिच ब्लाउज फ्लिपकार्ट एज वेल एज अमेजोन दोनों ही वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे. जहाँ भी बेस्ट डील मिले, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, जब भी आपको अच्छे से अच्छा डिस्काउंट मिले तभी उसी वेबसाइट से खरीद लीजिएगा. मैं सभी परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. प्राइजेस आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे जैसा कि हमेशा होता है. ये देखिए, ब्राइट ब्राइट एकदम रानी कलर जिसको कहते हैं, पिंक मजेंटा कलर आप कह लीजिए, उसके अंदर ये गोल्डन मोटिव्स हैं, और ये मोटिव्स कोई भी फॉइल प्रिंट नहीं है, सारा वीविंग वर्क है इसके अंदर, जरी का काम है बेसिकली, जो बनारसी टाइप की जरी होती है, बनारसी जरी का काम है. अंदर पूरा आपको कॉटन लाइनिंग मिलेगी, ऐसा नहीं है कि बॉडी पर कुछ आपको दिक्कत करेगा या कोई भी ऐसी इशू नहीं आएगी. बिल्कुल राउंड नेक है इसका, बंद गला आप कह सकते हैं, और एल्बो तक देखिए काफी अच्छी स्लीव्स का साइज है, एल्बो तक जाएगी आपकी स्लीव्स. और दूसरी अच्छी चीज जो आप इसमें, अगर आपको इसमें कट दिखाई दे रहा है, जो स्टिचिंग का कट है, विच इज प्रिंसेस कट, सभी लेडीज को मालूम है कि नॉर्मली जो हम ब्लाउजेस खरीदते हैं या सूट्स भी खरीदते हैं, अगर प्रिंसेस कट में हम उसको स्टिचिंग करवाएं या आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसकी फिटिंग और भी ज्यादा बेटर आती है. तो ये इसमें आपको पीछे से सारे हुक मिलेंगे. ये देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक आपको पीछे इसमें हुक सिस्टम मिलेगा क्लोज करने के लिए. फ्रंट में कोई भी मतलब बटन हुक नहीं है, पीछे है इसके. मेरा इसमें साइज है 40, जबकि मुझे लगता है कि आई थिंक मैं इसमें एक साइज लार्जर जा सकती थी, बट हाँ, इसकी फिटिंग मुझे काफ़ी अच्छी आई है. मैंने इसको एक स्कर्ट के साथ पेयर किया है, और ऑल ओवर लुक एकदम लहंगे की तरह लग रही है. बेसिकली एक ब्लाउज है, साड़ीज़ के साथ अगर कोई मजेंटा कलर का ब्लाउज ढूंढ रहे हैं 100% परचेज कर सकते हैं, बिकॉज जब भी हम कपड़ा लेके स्टिचिंग करवाते हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक मुझे लगता है कि इतना ही बैठ जाता है, कहीं अच्छी जगह आप स्टिच कराएंगे तो. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट परचेज की तरफ. नेक्स्ट परचेज इज़ अ वेरी एवरेज काइंड ऑफ प्रोडक्ट, मैं आपको इसको बोल सकती हूँ. देखिए, ये है एक स्कर्ट. इसका ब्रांडिंग टैग इस पर नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा. अब करते हैं स्कर्ट की बात. ये है इसकी वेस्ट, और इसकी वेस्ट आपको मेरे ख्याल से ये 36 टू 38 तक अगर आपकी वेस्ट लाइन है तो इजीली आपको आ जाएगी. इसमें आपको एक डोरी मिलती है, ये देखिए, और साइड में मिलता है एक जिप सिस्टम. ये देखिए, इस तरीके से आपको जिप मिलेगा साइड में, और ये देखिए चेक्स का इसमें डिज़ाइन है. ये देखिए, और घेरा तो इसका बहुत ही लाजवाब है. ये देखिए, काफ़ी अच्छा घेरा है, ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल. नीचे इस तरीके से आपको रेड कलर का, रेड ऑरेंज काइंड ऑफ ये चौड़ा बॉर्डर मिलेगा, नीचे थोड़ा मजेंटा.
देखिए इसके अंदर इन्होंने लाइनिंग भी दी हुई है, सैटिन काइंड ऑफ इसमें लाइनिंग दी हुई है। हालांकि जितना बड़ा घेरा है उतनी बड़ी लाइनिंग नहीं है। और इसका जो फैब्रिक है, इसका फैब्रिक जो मुझे फील हो रहा है विच इज़ भागलपुरी सिल्क, अगर आप जानते हैं उसी में थोड़ा सा हार्ड टाइप का सिल्क। मुझे नहीं मालूम इसकी फिटिंग और इसकी लुक मुझ पर कैसी लग रही है, प्लीज़ मुझे बताना कैसी लग रही है। बट फॉर द प्राइस आई एम पेइंग, मुझे ये एवरेज प्रोडक्ट लगा, बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं आया और मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी नहीं हूँ इसके रिगार्डिंग। तो फॉर द प्रोडक्ट आई एम प्राइस पेइंग, आई थिंक मैंने 900 के अराउंड इसके लिए पे किया है। तो 900 ना हो कि अगर ये 600 to 700 के बीच में इसका प्राइस फॉल करे, जब भी करे, अगर आप परचेज करने की सोच रहे हैं ले लेना, तब आपको मतलब बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी मैं तब इसको अच्छे से परचेज करके इन्जॉय कर पाऊंगी। तो ये था एक छोटा सा टिप जो मैं आपको देना चाहती थी। देखिए इसमें आप इसको स्कर्ट के साथ टॉप, अगर क्रॉप टॉप है आपके पास, रेड ब्लैक व्हाइट, आप इसको यूज कर सकते हैं, लहंगे की तरह यूज कर सकते हैं। और अगर इसमें एक दुपट्टा ऐड कर लेते हैं, मतलब वर्सेटाइल तरीके से यूज कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से पहनते हैं, आपकी बॉडी टाइप पर ये कैसा अच्छा लगता है, किस तरीके से अच्छा लगता है, ये आपको डिसाइड करना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। लेकिन अगर अब तक आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी या हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए अभी। एंड जो भी मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब बटन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी फैमिली 5000 तक पहुंच पाए। 5000 सब्सक्राइबर होते ही हम अनाउंस करेंगे एक अच्छा सा गिव अवे। एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जरूर हिट करना है और बेल बटन हिट करने के बाद ऑल ऑप्शन को क्लिक करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। विच इज अ ब्लैक कलर का बेसिक क्रॉप टॉप। देखिए जैसे आप इसको ब्लाउज और क्रॉप टॉप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। ये देखिए ये इस तरीके से है फ्रॉम द ब्रांड हार्पा की तरफ से। हार्पा की बेसिकली मैंने टॉप्स बहुत सारे ट्राई किए हुए हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। और मैं इसमें एक्सेल मैंने साइज इसमें ऑर्डर किया, जबकि मुझे लार्ज लार्ज ही इसमें ऑर्डर करना चाहिए था, बिकॉज ये थोड़ा सा लूज है मुझे। तो अकॉर्डिंग टू साइज आप इस तरीके से खरीदेगा। ब्लैक कलर का टॉप है और क्रेप काइंड ऑफ मटेरियल है। और ये देखिए सी थ्रू है, थोड़ा सा पतला फैब्रिक है। तो इसके अंदर जो आप अपना इनर वेयर पहनते हैं, ब्लैक ही पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वी इसकी नेकलाइन है, ये देखिए बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, ठीक मतलब इसकी नेकलाइन है इस तरीके का। देखिए बटरफ्लाई काइंड ऑफ इसका स्लीव कह सकते हैं, एक्चुअली बेल स्लीव बिल्कुल यहाँ से अटैच की हुई है, तो थोड़ा सा बटरफ्लाई वाला लुक देती है। इस तरीके से स्लीव मिलेगी। ये देखिए नीचे क्रॉप टॉप आपका बिल्कुल जो नेवल पॉइंट है वहाँ तक आएगा। आई एम 5'2", मुझे नेवल पॉइंट तक ही आ गया था आराम से। और ये इसकी फ्रंट है जो कि बिल्कुल प्लेन है। बैक साइड से ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, इस तरीके से आपकी बैक में ये एक कट है और दो इन्होंने टच बटन दिए हैं विद ये इलास्टिक बैंड। देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बटन सिस्टम है इसको आप लूज एंड टाइट अकॉर्डिंग टू योर वेस्ट लाइन आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि इलास्टिक होने की वजह से इसको जो इलास्टिसिटी मिल रही है बहुत ही अच्छा फिट आएगा। मैं आपको बोलूंगी जो आपका साइज है उससे एक साइज स्मॉलर जाइएगा, बिकॉज इन लोगों के इस टॉप में ये साइज थोड़ा सा लार्जर साइड पर है, इसीलिए एक साइज स्मॉल में जाइएगा। आप सभी लोग ये वीडियो क्लिप्स तो देख ही रहे हैं, बट अगर आप पिक्चर्स देखना चाहते हैं रिलेटेड टू इस टाइप के आउटफिट्स, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मित्रा वैशाली, लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली जाके मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, विच इज़ लास्ट प्रोडक्ट। और लास्ट प्रोडक्ट पर जाने से पहले हम हमेशा कर लेते हैं टिप की बारी। तो आज की टिप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए सेफ्टी पिन, आई होप आपको दिखाई दे रही है, दिस इज सेफ्टी पिन। इसका जो ये वाला एरिया होता है, ये जो होल है, जब हम अपनी साड़ी में लगाते हैं या फिर अपने दुपट्टे में लगाते हैं, ऑलमोस्ट लेडीज मुझे पता है सबने ये प्रॉब्लम्स फेस की होगी। आपको आई थिंक दिखाई दे रहा होगा ये होल वाला पॉइंट है। यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक होता है वो फंस जाता है, अटक जाता है, और उसके बाद वो फटने लगता है, फट ही जाता है ऑलमोस्ट, चाहे वो आप ब्लाउज में लगाइए, साड़ी में, दुपट्टे में, वो फट जाता है अगर इस रिंग के अंदर हो जाता है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, ओपन करके इसके जो निडल वाला हिस्सा है यहाँ पर, या तो एक अगर आपके घर में कोई पर्ल पड़ा है, मोती डाल देना है, इस टाइप का कोई बटन है एक्स्ट्रा टूटा हुआ घर में, सबके घर मिल जाता है, वो डाल देना है, या फिर कुछ भी नहीं है तो इस तरीके से
स्क्वायर पीस कर लीजिए एक पेपर का और उसको इस तरीके से, ये देखिए आपको ऐसे इसके अंदर ये इसको डाल देना है, ये देखिए ठीक है। और उसके बाद अब ये हो गई है रेडी टू यूज़। इसको जब आप साड़ी के साथ या किसी दुपट्टे के साथ अटैच करेंगे, बिकॉज ऑफ इस ये जो हमने पेपर लगाया है, इससे वो साड़ी नहीं फंसेगी। और यही है आज का टिप जो कि बहुत यूज़फुल होने वाला है। ज़रूरी नहीं है वेडिंग्स, जनरली जो हम घर में पहनते हैं साड़ी तब भी ये प्रॉब्लम आती है। तो यूज़ करके देखिएगा इस हैक को, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये हैक आपको कैसा लगा। अब चलते हैं लास्ट प्रोडक्ट की तरफ, विच इज़ माई फेवरेट इन दिस एंटायर हॉल। तो वो है एक अगेन एक स्कर्ट, ये देखिए। सबसे पहले आप स्कर्ट देखिए, ये है स्कर्ट, ये है इसकी वेस्ट लाइन। ये भी अप टू 38 तक आराम से वेस्ट में फिट हो जाएगा। और ये है 100% कॉटन में। और ये देखिए, ये है इसका घेरा। आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि मैं इसको स्क्रीन पर लेने वाली हूँ, स्क्रीन पर नहीं आएगा। देखिए काफ़ी बड़ा घेरा है, मैंने इसको मेजर नहीं किया है, बट काफ़ी अच्छा मुझे 4-4.5 मीटर का तो ये घेरा इजीली लग रहा है। अब बात कर लेते हैं, देखिए इस तरीके का क्रश्ड मटेरियल मिलेगा आपको। तो ये 100% कॉटन में है, ऊपर इस तरीके से आपको बॉर्डर मिलेगा। ये देखिए कॉटन 100%। और ये देखिए अब इसके बॉर्डर की बात करते हैं, बॉर्डर में इस तरीके का हार्ड बॉर्डर है, बहुत ही मतलब सॉफ्ट नहीं है, जो मुड़ जाएगा आपका। आप वीडियो क्लिप में भी देख पा रहे होंगे, जब मैं चल रही हूँ तो ये इजीली फॉल कर रहा है। ये सारा जो भी फुलकारी वर्क आप कहते हैं, जो मशीन एम्ब्रॉयडरी होती है फुलकारी काइंड ऑफ, ये देखिए इस तरीके का पैटर्न है। जो आप इसमें मिरर देख पा रहे हैं जो शाइन कर रहे हैं, ये फॉल्स मिरर हैं, प्लास्टिक मिरर है, रियल मिरर्स नहीं है। ऑल ओवर पूरी स्कर्ट में आपको फ्रंट एज वेल एज बैक, यानी पूरा जो घेरा है आपको ये वर्क मिलने वाला है। ये भी आई थिंक मुझे एग्जैक्टली अमाउंट याद नहीं है, 900 के अराउंड है या फिर 999 है, यही इसका प्राइस है। ये वर्थ बाइंग है 100% जो आप ये प्राइस पे कर रहे हैं, आप आँख बंद करके खरीद सकते हैं। हालांकि मुझे इसका ब्रांड याद नहीं है, सॉरी, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। ये अगर आपको कभी, आई थिंक मुझे लगता है मैंने ये विदाउट डिस्काउंट खरीदी है, अगर डिस्काउंट होगा तो थोड़ा बहुत, जब भी आपको इससे कम प्राइस में मिले बिल्कुल मत छोड़ना, 100% आप खरीद सकते हैं। और इसको भी आप अपने तरीके से बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी कॉलेज गर्ल्स हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट इसको यूज़ करना चाहती हैं अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने पिछला वो जो क्रॉप टॉप आपके साथ शेयर किया है उसके साथ इसको पेयर करेंगे, इट लुक्स वंडरफुल। आप क्लिप्स में इजीली देख सकते हैं, मैं तो अच्छी खासी अट्टी गट्टी मोटी हूँ तब भी मुझ पर ये ठीक ठाक ही लग रहा है। बट हाँ, आप लोग भी ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी वीडियोस को, ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।